अनुराग और पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं एंथनी नवेद आपके साथ, जो कि रुकन असम्बली रहे और मसीही ब्रादरी की बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। सर, इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की? मैंने जी सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से मैट्रिक किया था, उसके बाद फिर मैंने शुरू से कराची में रहे। मैं बाय बर्थ कराची से हूँ। अच्छा, जी इंटरेस्टिंग। कराची हेड से जी, बिल्कुल। तो कैसा पाया आपने पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि आप बाय बर्थ हैं और होता है ना स्पेकुलेशंस होती हैं, क्योंकि आप तो खुद पाकिस्तानी हैं, तो ये जो एक स्पेकुलेशंस हैं कि नहीं यार, यू नो, अकलियत के हवाले से या एक तबके के हवाले से, अपने पाकिस्तानी होने के हवाले से आपने कैसा पाया? मैंने वो तो चलो मैं करता हूँ, लेकिन आपके सवाल से मुझे एक बात जो है ना वो बड़ी एक थोड़ा सा डिसहार्टेड भी हुआ हूँ। अच्छा, इसलिए कि आपका जो सवाल किया ना जी, पाकिस्तान में आपने कैसे पाया? हाँ, क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी हैं। देखिए, मैं वो यस करना चाहता हूँ, बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि हम तो इस मिट्टी का खमीर हैं। बिल्कुल, हमारे आबा अजदाद जो हैं वो इसी मिट्टी में, मिट्टी से पैदा हुए और यहीं पे दफन हो गए। लेकिन बात यह है कि ये जो सोच है कहीं ना कहीं किसी जेहन के कोने में ये जो बात होती है, ये बुनियादी तौर पर इस मुल्क में पढ़ाए जाने वाले निसाब का मसला है, जिसने एक निसाब में ये पढ़ा दिया था कि जी जो अकलियतें हैं इस मुल्क में मुकद्दस अमानत है। शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन आप इसको निसाब जी, मैं ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक है? मैं आपके पास ये मोबाइल रखवा के जाता हूँ, ठीक है ना? सही है, मोबाइल रखवा के जाता हूँ कि आप रख लें। सही है, मैं एक हफ्ते के बाद आके ले जाऊंगा। सही है, तो ये मेरी अमानत होगी आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका ऑनर कौन है? आप हैं। और मैं कभी भी आके लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल। तो अकलियत किसकी अमानत है? हम तो नहीं अमानत कहते, ये निसाब ही गलत है इस मुल्क में जो पढ़ाया गया है, इसकी बुनियाद ही गलत है। आप एक रुकन असेंबली होते हुए इस चीज को आपने ऐवान में कभी क्यों नहीं उठाया जो आपकी दिल में है? जी बिल्कुल कहा है, ना सिर्फ ऐवान में कहा, ऐवान के बाहर भी कहा है, जब भी बात होती है। आज आपके प्रोग्राम में भी मुझे मौका मिल गया, आपके सवाल से मुझे थोड़ी सी जो है वो लूज बॉल लगी, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई हिम्मत मिल गई आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुल्क में इस सोच की कमी है कि इस मुल्क की जो तश्कील हुई थी वो भी मजहबी अकलीतों ने की थी, इसलिए कि मुतहदा हिंदुस्तान में जो तहरीक पाकिस्तान चली थी वो उस वक्त की मजहबी अकलीतों की तहरीक थी। मुसलमान उस वक्त मजहबी अकलीत में थे, तो ये तो मजहबी अकलीतों के लिए पूरी दुनिया में एक आइडियल मुल्क होना चाहिए था, और नहीं है ऐसा। हाँ, आपने निसाब में कह दिया कि अकलीतें इस मुल्क में मुकद्दस अमानत है, जबकि कायदे आज़म साहब ने, जबकि कायदे आज़म साहब ने अपनी तकरीर में 11 अगस्त को इस बात को बिल्कुल वो कैटेगोरिकली एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी थी कि रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ पर बसने वाली तमाम अकलियतें जो हैं वो आजाद हैं। अच्छा, अब इसमें और बराबर के शरीयत, डेफिनेटली ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये एक बहुत ही तारीखी एक स्टेटमेंट है। जहाँ तक निसाब की बात है ना, निसाब में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए और उसको तब्दील होना चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन उससे आप माशरे की जहन साजी को नहीं जज कर सकते, ये मेरा मानना है। देखिए, माशरे में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच के हामिल लोग हैं, आप ये बात मानते हैं? छोटे जहनियत के लोग भी होते हैं और खुली जहनियत के लोग भी होते हैं, हर शख्स अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा होता है। एक तो ये बात कि अगर ये सोच कहीं है तो वो कुछ लोगों ने बनाई होगी, ज़रूरी नहीं है कि पूरा माशरा उसी सोच का हो, और ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज आप ऐवान में नुमाइंदगी ना कर रहे होते, और आप कर रहे हैं, और आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और आपने अपने इब्तदाई में ही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें मुझे ऐसी नज़र आई चीज़ें तो मैंने इस जमात को चुना। अगर ऐसा होता तो आप फिर किसी जमात में ना होते। अंतनी साहब, बिल्कुल मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे अपने निसाब की बात चली, देखें आप जब किसी एक बच्चे की जहन साजी करते हैं, देखिए उस जो आप बीज आज बोएंगे ना, उसी के साए में आपको कल बैठना है, उसी दरख्त के साए में, जब वो एक कदावर दरख्त बनेगा। और हमारे यहाँ एक निसाब तो है नहीं, ऐसा ही जिस निसाब की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक तफरीक, एक नफरत
और डिवीजन की जो बात की जाती है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो कायदे आज़म साहब का एक लैंडमार्क एक खिताब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जब 2008 से 2013 का दौर था, आपको बिल्कुल ये याद होगा कि 11 अगस्त की जो स्पीच को लेकर बुनियाद बनाकर इसी कमिटमेंट को हर साल एक तजदीदे अहद के तौर पर और अपनी सोच को दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करने के लिए इसको अकलीतों का जो है वो कौमी दिन पाकिस्तान में मनाने का फैसला किया गया। और आज भी 2010 से लेकर आज तक हम जो है वो अकलीतों का कौमी दिन 11 अगस्त को मनाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर कहीं पर किसी भी चैलेंज का हमें सामना है, कहीं भी माशरे में कोई कमी कमज़ोरी है, तो हम अपने उस अहद की तजदीद करें जो हमारे कायद ने यहाँ पर बसने वाली मजहबी अकलीतों के साथ किया था। और इसीलिए हम जो है वो ये जो माइनॉरिटी डे, नेशनल माइनॉरिटी डे मनाते हैं। और देखें, कभी भी माशरे जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते अगर वहाँ पर माशरे को ज़िंदा रखने वाले कोई ना कोई अवामिल जो है वो ज़िंदा ना हो, जहाँ पर वो एक दूसरे को कबूलियत की बात करें, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बात करें, एक दूसरे के वजूद को ज़िंदा रखने के लिए उनकी जो है वो तवानाई ना सर्फ हो। तो मैं ये नहीं कहता कभी भी कि पाकिस्तान में जो है वो तमाम जो हुकूमतें हैं वो ऐसी हैं जो किसी भी हवाले से इस मुल्क में बसने वाली मजहबी अकलीतों के जो है वो खिलाफ नबर आजमाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को कहते हुए बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान का झंडा दुनिया का वो वाहिद झंडा है, किसी भी रियासत का वो वाहिद झंडा है जिसने यहाँ बसने वाली जितनी भी मजहबी इकाइयाँ हैं उसको सियासी तौर पर, रियासती तौर पर बैन अल-अक़वामी दुनिया के सामने तस्लीम किया है। और उस झंडे में उन्होंने उसको अलहदा से उसका निशान दिया है, निशान दिया है, रिप्रेजेंटेशन दी है। और फिर आप, मैं ये भी बात बड़े फख्र से कहता हूँ कि जिस तरफ आपने हमें हमारी यहाँ पर मौजूदगी को, हमें बैसियत शहरी आपने जिस तरीके से एक्नॉलेज किया है, हमने भी वो फ़र्ज जो है वो आज तक निभाए रखा है। क्योंकि झंडा कहीं भी जब वो आप उसको लगाते हैं तो वो जो हिस्सा हमारे जुम्मे आपने दिए, हम ही झंडे को संभाल के आज तक खड़े हुए हैं। तो चांद सितारे में भी आपकी जगह, चांद सितारे में भी जगह, ये कितनी खूबसूरत। तो ये इस रियासत की खूबसूरती है। यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी और मैसेज भी मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से यही जाए। अच्छा अंदानी साहब, क्योंकि आप वो जियाले कारकुन हैं जिन्होंने रूट से आगाज़ किया अपनी अमली सियासत का, तो अब आपको खासा अरसा हो चुका है, तो वैसे क्या क्या किया, क्या क्या हासिल किया फाइनेंशियली सियासत में रहते हुए? अच्छा मैं, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कमाया। हाँ, बहुत कमाया। मोहब्बत या पैसा? बहुत कमाया। और सबसे जो मेरी कमाई ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, अदीफ रियाल तारपुर साहबा का, और मेरी पार्टी के और बहुत सारे मरकजी कायदीन जिनकी शफकत से, जिनकी मेहरबानी से मैं 2016 में स्पेशल असिस्टेंट बना, फिर उसके बाद 2018 में मुझे उन्होंने मेंबर सिंध असम्बली, और लेकिन उसके साथ साथ जो एक और मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग सिंध का जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो इन सारी जो मेरी ये जो मोहब्बतें थी, जो मैं समझता हूँ कि ये मेरी असल असासा है, मैंने उसको, मैं समझता हूँ कि जिस इज़्ज़त अफसाई का मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने ये मौका बख्शा था, मैंने उसमें इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश की है कि ना सिर्फ सिंध में बसने वाली, खसूसी तौर पर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसका इत्माद रियासती इदारों पर जो है वो इत्माद जो है वो और पुख्ता हो सके,
इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है मैंने ब्रिजिंग का जो है वो रोल प्ले किया है, और उसमें प्रैक्टिकली तौर पर अगर मैं कहूँ कि कहीं पर भी कोई ऐसा हमें किसी केस का सामना करना पड़ता था, किसी ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता था, कोई ऐसी मुश्किल का वक्त आता था, तो वो जो जिम्मेदारी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत की तरफ से मैसर थी, उसमें हमने अपनी कम्यूनिटी को यहाँ पर ना सिर्फ इस सूबे में मुस्बत किरदार अदा करने में बल्कि हुकूमत की तरफ से भी उनके साथ जो उनके रवैये रहे हैं उसमें एक अच्छी फिजा जो है वो कायम करने में बड़ा जो वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, आप बहुत ही मासूम और सीधे सवाल को एक बहुत संजीदा जवाब बना देते हैं। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती थी क्या कमाया आपने। मैं उसी तरफ आऊंगा ना, ये क्या क्या बनाया ये तो बताएं जरा हमारे नाज़रीन को, ये संजीदा गुफ्तगू तो फिर होती रहेगी ना। ये भी असल कमाई तो ये होती है, हाँ, एक सियासी कारकुन की असल कमाई ये होती है। एक और इल्जाम लगता है सियासतदानों पर कि भाई वो बड़ा कमाते हैं, एक घर के 10 घर बनाते हैं, गाड़ी की 10 गाड़ियां खरीदते हैं, तो आपने क्या किया वैसे? मैंने आपस की बात, मैं समझता हूँ कि पूरा सिंध जो है मेरा घर है, मैं किसी भी शहर में चला जाऊं, बता दें आप कितने घर हैं आपके, बता दें बस घुमाएं यहां मुझे। देखिए मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है कराची के, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खालिस्तन कच्ची आबादी है, नहीं तो इलाके का नाम लेना जी, मेरा ताल्लुक PS 104 अख्तर कॉलोनी से है, और मेरी पैदाइश भी अख्तर कॉलोनी से, अख्तर कॉलोनी में है। जबरदस्त, मैंने सियासी अपनी जदोजहद भी वहीं से शुरू की, मैं पहला इलेक्शन भी वहीं से लड़ा, वहीं से मुंतखब हुआ जब मैं स्पेशल असिस्टेंट था, तो जिस घर में मैं पैदा हुआ उसी घर में अल्लाह ताला ने और मेरी पार्टी की आदत ने मुझे ये इज्जत बख्शी। उसके बाद जब तो आप आज भी अख्तर कॉलोनी के घर में रहते हैं? जब मैं MPA बना, हाँ, तो भी मैं उसी घर में था, हाँ, आज जब मैंने ये टेन्योर गुजार लिया तो आज भी मैं उसी घर से जो है आपके इस प्रोग्राम के लिए आया हूँ, और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, जिंदगी दे, तो मैं वहीं पे रहूंगा, अपने लोगों के दरमियान ही रहूंगा, बाकी घर किराए पे रखूंगा। देखे नहीं जी, मेरे नाम पे तो कोई घर नहीं है, ये भी मेरे वालिद साहब का घर है, मेरे वालिद साहब का घर है, मेरा तो कोई घर नहीं है, अल्लाह करेगा कि घर अपना। बेगम के नाम पे कोई घर लिया है? नहीं जी, बेगम तो मेरी स्कूल टीचर है, तो एक स्कूल टीचर की क्या वो हो सकती है इनकम? नहीं तो स्कूल टीचर के नाम पे तो घर लिया जा सकता है ना? नहीं जो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पाकिस्तान में एक प्राइवेट स्कूल टीचर की क्या? नहीं, मैं तो प्राइवेट स्कूल टीचर की बात ही नहीं कर रही, मैं तो MPA साहब की बेगम की बात कर रही। नहीं, ना बेगम के नाम है, ना मेरे नाम है, ना बच्चों के नाम है, भाई नहीं बोल के देंगे कुछ भी, बता रही हूँ मैं आपको। तो ये बताएं कि शादी कैसे हुई और आपकी ही खानदान से थी या खानदान से बाहर शादी करती? नहीं, खानदान से बाहर, लव मैरिज थी? अब मिला जुला रुझान था? नहीं नहीं, बता देना कोई। मिला जुला रुझान क्या होता है? लव को अरेंज किया, अरेंज को लव? पर यूं कह लीजिए कि लव को अरेंज किया था, करवा लिया था फिर वालिदैन से। जी जी जी। तो कितने साल हो गए शादी के? मेरी 97 में शादी हुई थी। जबरदस्त, माशाल्लाह बच्चे जवान होंगे। जी, मेरा बड़ा बेटा है वो मास्टर्स कर रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। जबरदस्त। मेरा बड़ा बेटा मास्टर्स कर रहा है, बेटी BBA में है, छोटी बेटी अभी MD कैट की तैयारी कर रही है, और छोटा मेरा बेटा है वो मैट्रिक में है। क्या बात है, तो किससे ज्यादा करीब, बेटियों से या बेटों से? चारों से। दोस्त कौन है? दोस्त तो जाहिर बेटियां ही होती हैं। अच्छा, बेटियां हमदर्द होती है ना बाप की? बाप ज्यादा शफीक होता है। अच्छा, वैसे होता है ये, बेटे जो होते हैं माँ के करीब होते हैं, बेटियां बाप के करीब होती हैं, तो लड़के कभी आके आपसे डिस्कस करते हैं चीजें या अपनी मामा के पास जाते हैं? नहीं, ज्यादातर अपनी माँ से करते हैं। वैसे क्या रुझान है, कोई आएगा पॉलिटिक्स में? देखें, ये जो आप सवाल कर रही हैं ना, इसमें कभी कभी थोड़ी सी आप एक चीज की और अगर एडिशन कर लें, तो ये जो बेचारे जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना, इनकी फैमिली लाइफ के बारे में भी वो मैं करूंगी ना। ये जित नहीं मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, ये जो सवाल है ना जो आप कर रही हैं, ये एक आम आदमी के सवाल है, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, उसके पास टाइम की बड़ी बेचारे के पास कमी होती है कि वो अपनी तो नहीं निकाल पाते, फैमिली को भी टाइम दे, निग्लेक्ट होती है फैमिली, बिल्कुल होती है। तो रिग्रेट होता है कभी? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो कभी आप सोचते हैं इस कंपनसेट करूं इस चीज को, जब मौका मिलता है कंपनसेट करते हैं? देखिए, ऐसे तो वालिदैन, मैं अगर अपनी बात करूं कि टाइम ना दो घर को, फैमिली को, तो रिग्रेट होता है, होता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं यू नो कंपनसेट करके बच्चों को टाइम दें, हम अपने आप को निग्लेक्ट कर दें, एक वक्त ऐसा आता है नींद को, अपनी और चीजों को, तो
कभी आप सोचते हैं इस तरह कि एक दौर गुजरा आपका इस पूरी अमली सियासत का? होता है, बच्चे कहते हैं, कभी शिकायत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और मैं समझता हूँ उनका हक भी है, वो हक बजाने में, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है कोशिश करते हैं कि बेटियाँ थोड़ी डिमांडिंग होती है ना, तो कभी बेटियों ने कहा कि बाबा क्या छोड़ें आप पॉलिटिक्स, कुछ और ही कर लेते इससे अच्छा? देखिए असल में मैं इस बात में बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जब मेरी वालदा हयात थी तो उस वक्त भी मेरी वालदा मुझे बड़ी सपोर्ट करती थी। अच्छा। और जब मेरी शादी हुई तो शुरू शुरू में तो मेरी वाइफ को होती थी कंप्लेंस, लेकिन उसके बाद मतलब शी रियलाइज्ड कि शायद ये जो है वो बाज आने वाला नहीं है, और जाहिर है कि मैं ये समझता हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैंने कभी भी जो है वो मादी चीज़ों के पीछे जो है वो अपनी तवानाई नहीं लगाई। तो एक कमिटमेंट के साथ अपनी कम्युनिटी के लिए हमने कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए जो है वो अमली सियासत में आने का जो फैसला किया था, तो उसमें मेरी वाइफ ने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट करती है। और अब जाहिर है बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे चीज़ों को समझते हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। एक अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं जी, आपको जी, जस्ट एक एग्जांपल दूं कि पिछले साल बल्कि 2019 में मेरे बेटे को एनडी में एडमिशन नहीं मिल सका। अच्छा। और मैं उस वक्त सिटिंग एमपीए था, पार्लियामेंटेरियन था, और मुझे मतलब जहाँ एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट थी, लेकिन वो कुछ इशू ऐसा था जिसमें मैंने भी रियलाइज़ किया और अंडरस्टैंड किया कि ठीक है हमें पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। फिर दो साल पहले मेरी बेटी को सिर्फ एक नंबर की वजह से, नॉट 1%, जस्ट 1 mark मेरी बेटी का जहाँ वो एडमिशन चाहती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ एडमिशन नहीं हो सका। ओके। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को ये बिल्कुल इस बात पे समझाया हुआ है कि तालीम के हसूल के लिए आपने कभी भी जो है वो सिफारिश नहीं करवानी मुझसे। बहुत अच्छी। और मैं सिटिंग एमपीए और मेरे ही इलाके का एमपीए वजीर तालीम हूँ सईद गनी साहब, लेकिन फिर भी हमने किसी किस्म की फेवर नहीं ली और मेरी बेटी ने एक आम, बस एक आखिरी बात आपकी जब बात अच्छा। समझ आया, क्योंकि सईद भाई को मैं खुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं सईद गनी साहब, और तालीम के शोबे के उन्होंने बहुत काम किया, सरदार शाह साहब ने भी बहुत काम किया, लेकिन आपको लगता है हमारा तालीम का शोबा अभी भी बहुत पीछे रह गया है? बहुत पीछे रह गया। हम प्राइवेट सेक्टर पर रिलाई करते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो वो नहीं है इस तरह कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें। अच्छा, मैं पहले मेरी बात थोड़ी सी कम्प्लीट कहूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब देखें ना, कमिटमेंट बच्चों की क्या होती है। देखिए, हम ये चाह रहे थे और मैंने बड़ी कोशिश की, और अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया या ना भी दिया तो हमने यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं 5% जॉब कोटा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉन मुस्लिम के लिए कोटा नहीं है। सही। अब जहाँ मैं खुद घर में ये सारी सिचुएशन फेस करता हूँ, मेरी कम्युनिटी के साथ क्या होगा? सही बात। मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैं यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं, जो रिलीजियस मिनॉरिटीज के लिए, उनके लिए एजुकेशन कोटा की बात कर सकूँ। अच्छा, आखिरी बात करेंगे, आपके पास टाइम की कमी है, मतलब एक आम पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पर बात नहीं कर रहा जो आपने सवाल किया है। जिस रियासत में जो बुनियादी जो सहूलतें होती हैं, जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, अगर वो कमर्शलाइज हो जाए तो वहाँ पे इसी किस्म की मुश्किलात होती है जिसका आपने तस्करा किया है। हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन कारोबार तालीम, रियल स्टेट फिर तालीम, फिर सेहत, फिर तालीम, और यही रियासत की, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी वक्त बड़ा कलील वक्त है मेरे पास। कभी रैपिड फायर खेला आपने? समझते हैं रैपिड फायर राउंड? आप बता दें। क्विक सवाल और क्विक जवाब जी, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। सियासतदान ना होते तो क्या होते? मैं शायद टीचर होता। आपने कब कितने इश्क किए अपनी जवानी में? कितने इश्क किए? एक ही था। एक ही था, शादी कर ली जी पक्की बात है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि अगर आपको किसी और जमात से ऑफर आए, अभी नहीं मुस्तकबिल में, तो क्या आप छोड़ देंगे पीपल्स पार्टी? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। नहीं। अगला वज़ीर आज़म किसको देखते हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी? मैं तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को ही देखूंगा। वो कैसे?
पंजाब में तो नहीं है पीपल्स पार्टी उस तरह। किसने कहा पंजाब में नहीं है पीपल्स पार्टी? पंजाब में उस तरह नहीं है। किस तरह बनाएंगे आप नहीं, उस तरह ही नहीं हुकूमत कैसे बनाएंगे? हुकूमत आवाम के राय से बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में, पंजाब कभी पीपल्स पार्टी गढ़ होता था लेकिन आज नहीं है। क्यों? नहीं, किसने कहा आपसे? अभी हालिया आपने इलेक्शन नहीं देखा एनए 133 का? हमने 5000 वोट लिए थे 2018 में और इस दफा 35000 वोट लिए हमने। मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूं। मैं जनरल इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आर यू श्योर अबाउट दैट? मियां साहब को वापस आना चाहिए या नहीं माना वापस आना चाहिए? बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को हक है वो सियासत करे। बट वो मुजरिम है, इसका फैसला अदालत ने करना है। उनको जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका फैसला भी अदालत करेगी। ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग की तरफ से कि उनको हिफाजती जमानत दिलाकर सीधा जलसे में लेकर जाया जाएगा, ये दुरुस्त अमल है या नहीं? ये उनका मौकफ है। नहीं, आपका क्या मौकफ है? मैं तो कह रहा हूँ अदालत फैसला करेगी। नहीं, आपका क्या मौकफ है? एक मुजरिम है, यहाँ पर बहुत सारे कन्विक्टेड मुजरिम हैं दुनिया में जो कि जेलें काटते हैं आम पाकिस्तानी, तो क्या मियां साहब को भी जेल जाना चाहिए या हिफाजती जमानत ले लेनी चाहिए? नहीं, उनको अदालतों का सामना करना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में एक तर्ज सियासत है जिसका बिलावल भुट्टो साहब ने एक जिक्र किया, उस तर्ज सियासत को ख़त्म होना चाहिए या ये ठीक है? जो मुल्क के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। क्या है मुल्क के लिए बेहतर? हक़ हुक्मरानी। हक़ हुक्मरानी तो है अवाम की, अवाम की है। तर्ज सियासत ये है कि जो अपोजिशन में होता है वो जेलों में जाता है, जो हुकूमत में होता है वो दूसरों के खिलाफ केसेस बनाता है। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, उसने कभी भी कोई सियासी, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी से साथ मुखालिफ भी है, लेकिन जो उसके साथ इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने माजी में ऐसा किया। आप समझते हैं कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान में जो हालात है मौशी तौर पर, इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा आप किसको समझते हैं? इमरान खान को। और इमरान खान के बाद आप किसको समझते हैं? इमरान खान के बाद तो फिर है तो बड़ा सख्त जवाब, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, आप एंथनी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगले 5 साल में इस मुआशी बदहाली से निकल आएगा? इंशाल्लाह। और कौन निकाल सकता है? पीपल्स पार्टी। कैसे? वो फिर हम बताएंगे आपको कैसे। फिर भी आपकी कोई मौशी एक प्लान होगा? जी बिल्कुल प्लान है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, चंद माह पहले जरदारी साहब ने बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग भी की और उन्होंने बताया भी इस बात का, उन्होंने बिल्कुल अंदिया दिया है कि मेरे पास प्लान है और मैं निकाल सकता हूँ। और वो उन्होंने मुश्किल तरीन हाला, अच्छा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जब जब पाकिस्तान में मुश्किल तरीन माशी हालात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धकेल दिया गया, उसको गवर्नमेंट दे दी गई, चाहे वो 90s का दौर हो, 80s का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने जा रहा है। आप आजमा के देख लें। नहीं सर, आप बताएं ना, ऐसा होने जा रहा है? देख लें। नहीं, हम नहीं आजमाएंगे, आवाम आजमाएगी। आपने कहा ना मौशी बदहाली का जब दौर होता है तो पीपल्स पार्टी को वहां धकेला जाता है और पीपल्स पार्टी ने वहां पर कामयाबी से जो है वो सुरखरू होकर निकली है। अच्छा, ये अनवारुल्लाह काकड़ जो आ गया अचानक से, नाम नहीं था कहीं भी इनका, इस पर क्या रद्द है? मतलब अल्लाह जिसको इज्जत दे। बेशक बेशक, लेकिन ये कुरे फाल कैसे निकला? कुरे में तो नाम ही नहीं था उनका। देखिए, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। बाकी क्यों नहीं? अच्छा, और वजीर आला निगरा, वजीर आला सिंध पे आप क्या कमेंट करेंगे? ये तो देखिए ना, बिल्कुल अल्लाह के फैसले हैं। नहीं, अल्लाह के तो होते ही हैं। हाँ। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, मुशावरत के बाद हुआ के साथ। और इस पर आपको लगता है कि ये निगरा सेटअप जो है ये आगे इलेक्शंस शफाफ कराने में कामयाब रहेगा? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। इलेक्शंस वक्त पर होंगे? Always hope for the best. Elections वक्त पर होंगे? बिल्कुल होंगे। और नहीं हुए तो? नहीं हुए तो फिर इस मुल्क की जो है वो सियासी जमातें जो हैं वो अपना रद्देमल भी दिखाएंगी इंशाल्लाह। कौन सी सियासी जमातें? जो सारी सियासी जमातें हैं जो अपना अपना स्टेक रखती हैं। किसके फेवर में है? आखिरी सवाल, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। किसके फेवर में है कि इलेक्शंस ताखीर का शिकार हों? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PTI, इस तरह में पाकिस्तान पार्टी MQM, कोई एक? किसके फेवर में? एक अगर लेट हो, मैं समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। किसी के फेवर में नहीं होगा? किसी के फेवर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका एंथनी साहब हमारे साथ थे, एंथनी नवेद साहब। और उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।